वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 7, दी एडजेसेंट फिगर एच ओ पी ई, ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ से एच ओ पी ई, इज ए पैरेललोग्राम, यानी इसकी जो भुजाएं आमने सामने के बराबर है, ये और ये, और ये कोण आमने सामने के, ये और ये बराबर है, ये समझ में आ गया। फाइंड दी एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की आपको मालूम करना है माप, यहां एक्स है, यहां वाई है और यहां जेड है, और बताइए कि कौन से आपने प्रॉपर्टी यूज की है ये पता करने में। उन गुणों का वर्णन भी करें जिनका उपयोग आप इन्हें खोजने के लिए करते हैं। देखिए शुरू करते हैं, यहां पर दिया हुआ है ये 40, ठीक है, ये कोण जो है यहां से लेके यहां तक कितना है, एच है और ये जेड है, और ये जो कोण है एच और जेड के बीच में ये है 40 डिग्री है, तो इसका जो सामने वाला ये किसको बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 40 डिग्री वाला कोण जो है, ये जो लाइन है इस रेखा के लेफ्ट में है, और इसके राइट वाला हुआ अल्टरनेट यानी वाई, तो ये भी कितना हो गया 40 डिग्री। चलो वाई का पता लग गया आपको। अब आप निकालिए कि जब ये 40 डिग्री है, ओके, तो ये पी कितना है पूरा, देखिए ये है ओ, ये है 70 डिग्री, ओके। जैसे आपका ये 40 का इंटीरियर एंगल था, वैसे ही 70 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, इसके ऑपोजिट वाला, ये वाला, यानी ये पूरा 40 प्लस ये दोनों मिला के कितने हुए, 70 डिग्री हुए, यानी पी बराबर 70 डिग्री हो गया। जब P बराबर 70 हो गया और ये 40 है, तो ये दोनों मिला के ये और ये 70 और ये 40, तो ये कितना हो गया, 70 माइनस 40 बराबर 30, ये हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये जेड है, तो जेड कितना हो गया 30 डिग्री। पता लग गया हमें, वाई का पता लग गया 40 डिग्री है, जेड का पता लग गया हमने 30 डिग्री है, ओके। अब रहा आपका अक्ष, ओके। अब देखिए क्योंकि ये जो एक लाइन है इस लाइन के ऊपर, ये जो कोण है पी, ये 70 है, तो ये वाला जो कोण होगा ये भी 70 होगा, क्योंकि ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये 70 होगा, तो ये कितना होगा, 70 माइनस ये दोनों मिला के कितने होंगे, 180, और ये 70 होगा, तो आपका 180 में से ये अगर ये 70 निकाल देंगे तो कितना बचा, 110, तो अक्ष कितना हुआ 110 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जो एडजेसेंट, इसको एडजेसेंट एंगल मान लीजिए, ये जो लाइन है इसके ऊपर एडजेसेंट एंगल, मतलब एक तो ये है आपका, ये कितना हो गया 40 और 70 हो गया, तो 180 में से 70 निकालेंगे तो 110, यानी ये 110 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रूल से भी निकाल सकते हो, और एडजेसेंट एंगल के रूप यानी आसन कोण के नियम से भी आप इसको खोज सकते हैं। आपके पास तीनों की आ गया, अक्ष का कितना आ गया 110 डिग्री, ये आपके तीनों आंसर आ गए, 110 अक्ष का आ गया, जेड का 30 आ गया और वाई का 40 आ गया, यहां पर दिया हुआ आंसर। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।